यदि मुझे डिटरमिनेंट ए निकालना है तो किसी भी रो के एलिमेंट को, यदि मैं किसी भी रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, तो हमें डिटरमिनेंट ए मिल जाएगा। तो जैसे ए वन वन सी वन वन, ए वन टू सी वन टू, ए वन थ्री सी वन थ्री, ये इसका डिटरमिनेंट ए होगा। सपोज ये मैट्रिक्स है हमारा, ये मैट्रिक्स है, सपोज ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। तो हमने क्या किया, हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी रो के एलिमेंट को, जैसे पहली रो है तो पहली रो के एलिमेंट है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, यदि मैंने इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो हमें डिटरमिनेंट मिल जाएगा। किसी ने बोला मैं तो सेकंड कॉलम लूंगा, तो ले लो कोई दिक्कत नहीं। ये इसका डिटरमिनेंट होगा, सेकंड कॉलम के एलिमेंट और उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर। किसी ने बोला थर्ड कॉलम ले लो, थर्ड रो ले लो, तो थर्ड रो ले लो, एक ही बात है। इसका मतलब डिटरमिनेंट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, हम निकालेंगे तो वैसे ही जैसे पहले निकाले थे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अपन इस तरह से निकालेंगे तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू भी जीरो। ए थ्री वन सी थ्री वन प्लस ए थ्री टू सी थ्री टू प्लस ए थ्री थ्री सी थ्री, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू भी जीरो आएगा। और जीरो क्या है, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो अभी तक मैंने क्या बोला, किसी भी डिटरमिनेंट को निकालने के लिए कोई भी एक रो चूज कर लो या एक कॉलम चूज कर लो। जैसे मैंने ये वाली रो चूज की, ए वन वन सी वन वन प्लस ए वन टू सी वन टू प्लस ए वन थ्री सी वन थ्री, तो ये आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। सबो मैंने सेकेंड कॉलम चूज की, ए वन टू सी वन टू प्लस ए टू टू सी टू टू प्लस ए थ्री टू सी थ्री टू, तो ये हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। सबो मैंने थर्ड रो चूज की, ए थ्री वन सी थ्री वन प्लस ए थ्री टू सी थ्री टू प्लस ए थ्री थ्री सी थ्री थ्री, तो ये हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। इसका मतलब ये है, डिटरमिनेंट क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है हमारी, डिटरमिनेंट होता है किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू दे, वो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू दे। ये डिटरमिनेंट ए है भैया। अब इसी के साथ एक प्रॉपर्टी और होती है बेटा, समझ। प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि मैंने सपोज फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट लेंगे, और मैंने थर्ड रो के कोफैक्टर ले लिए, थर्ड रो के कोफैक्टर ले लिए, और इनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो बेटा ये जीरो है। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, हम किसी भी रो के एलिमेंट ले रहे हैं और किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो बेटा इसका वैल्यू हमेशा जीरो है। पहली रो ली, तीसरी रो के कोफैक्टर लिए, एक और एग्जांपल देखते हैं। सबो मैंने सेकंड कॉलम ली, मैंने सेकंड कॉलम ली, हमने सेकंड कॉलम ली और थर्ड कॉलम की कोफैक्टर ली, इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो। ये प्रॉपर्टी होती है। अब ये दोनों प्रॉपर्टी अभी प्रूव करके बता रहे हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी देखो, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी रो के एलिमेंट या कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिटरमिनेंट देगा। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी रो के एलिमेंट को दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जीरो दे।
ये आपकी दो प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? दे दिशा रिंकल वेदई, यस यस सर। मैं हाँ, तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या है? डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है। अब मैं देखो एक एग्जांपल लेके दोनों प्रॉपर्टी को समझाता हूँ, जो लेट आया है, दोनों प्रॉपर्टी को मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, समझना। देखो सपोज मैंने ए लिया, 3 - 1 = 2, 4, 5, 7, 6, 2 - 3, ये मेरा मैट्रिक्स है। अब मैं किस सारे के कोफैक्टर निकाल रहा हूँ बेटा? सभी के कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। C11 मैंने क्या बोला था? प्लस आएगा, बोलो C11 क्या आएगा? करो मल्टीप्लाई। -29, -15, -14, -29। अब जो बेटा लास्ट क्लास में नहीं था, मैं वापस समझा देता हूँ। C11, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ये जो आपका 1 और 1 लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करके यदि इवन आएगा तो प्लस आएगा और ऑड आएगा तो माइनस है। तो इन दोनों को जो है ना ऐड करके लिखो, 1 + 1 क्या होता है? 2। इवन है तो प्लस आएगा। C11 मतलब इसकी कोफैक्टर, इसकी रो और कॉलम हटा दो, -15, -14, ये हमारा C12 आ गया। C12 देव प्लस माइनस, माइनस, चलो वैल्यू बता। एक मिनट सर। हाँ आराम से। 4, 12 - 12। हाँ और 42 नहीं, 42 नहीं, हाँ माइनस 42। हाँ तो ये हो गया बेटा 54। C12 आ गया आपका 54। C13 स्वस्ति प्लस माइनस, प्लस बोल बेटा वैल्यू। बोलो रो और कॉलम हटाओ बेटा, C13 मतलब इसका एलिमेंट, बोलो क्या हुआ? नहीं है कि स्वस्ति यहां? चलो आयुष तू बता दे बेटा। -22, बिल्कुल ठीक है बेटा, -22। C21 दिशा प्लस माइनस, सब माइनस, बोल बेटा वैल्यू क्या आएगी? 3 - 4, बिल्कुल सही है बेटा, 1। C22 इसी था प्लस माइनस, प्लस वैल्यू क्या आएगी? -9, -12, बिल्कुल सही है बेटा, -21। C23 वेदई प्लस माइनस, माइनस क्या आएगी वैल्यू? हाँ सर एक मिनट, -8, -30। क्या कर रही है? गलत बोल रही है बेटा, दोबारा देख। हाँ 6 + 6, 6 + 6 -12। और बेटा एक भी वैल्यू गलत होगी ना तो गड़बड़ हो जाएगा। C31 नमन प्लस माइनस, प्लस क्या आएगा? -7, -10, बिल्कुल सही है, -7। रिंकल C32 प्लस माइनस, माइनस, बोल बेटा। एक मिनट सर, आराम से। बेटा चार एलिमेंट दिखने चाहिए। 21 - 8, ठीक है, -30।
इसरा सी थ्री थ्री प्लस माइनस बोल बेटा इसरा है कि नहीं है सर नहीं है वो क्लास में क्यों अभी आई तो थी यार ऐसे कैसे हो गया आई तो थी चलो स्वस्ति प्लस माइनस स्वस्ति स्वस्ति है तो सही क्लास में क्या हुआ आवाज नहीं आ रही कि बेटा चल चिन्मय तू बता बेटा सुबह वाली क्लास में कहाँ था चिन्मय सर डेक हो रहा था इसलिए चलो आज मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं वैसे आज सुबह वाली क्लास जिसकी कैंसिल हुई है कोई दिक्कत वाली बात नहीं कुछ नहीं पढ़ा सी थ्री थ्री प्लस माइनस प्लस प्लस बोल बेटा रो और कॉलम हटा के 15 प्लस 4 19 बिल्कुल सही है 15 प्लस 4 19 हो गया ये हमारे सारे कोफैक्टर आ गए बेटा अब ये सारे कोफैक्टर आ गए हैं हमारे है। तो अब मैं प्रॉपर्टी प्रूव करके बता रहा हूँ देखो डिटरमिनेंट है ए वन वन सी वन वन ए वन टू सी वन टू ए वन थ्री सी वन थ्री पहली रो के रेस्पेक्ट ए वन वन मतलब थ्री माइनस 29 ए वन टू मतलब माइनस वन 54 ए वन थ्री मतलब टू सी वन थ्री कितना है माइनस 22 तो माइनस 87 माइनस 54 माइनस 44 कितना आ रहा है टोटल देखना बेटा ये डिटरमिनेंट आ रहा है ये कितना आ रहा है 185 माइनस 185 अब देखो मैं एक और वापस से निकाल रहा हूं मैं सपोज सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं ए वन टू सी वन टू ए टू टू सी टू टू ए थ्री टू सी थ्री टू देखते यही आ रहा है क्या ए वन टू है माइनस वन सी वन टू है हमारा 54 ए टू टू है 5 सी टू टू है माइनस 21 और ए थ्री टू है 2 और सी थ्री टू है माइनस 30 तो ये आ गया माइनस 54 माइनस 105 माइनस 26 देखना बेटा माइनस 185 आ रहा है कि नहीं आ रहा आ रहा है भी आ रहा है कि नहीं आ रहा यस सर इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या है प्रॉपर्टी वापस से समझाता हूं बेटा जिसको नहीं समझ में आई प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें डिटरमिनेंट ए का वैल्यू मिलेगा ये पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर है यस सर यस अब ये वन मार्क बेटा ये इतना कुछ नहीं आएगा वन मार्क में ये तो सिर्फ प्रॉपर्टी बताइए ये इतना निकालने के लिए थोड़ी बोलेगा वो आपसे वो आपसे क्या पूछेगा ये समझो अब इसको यहाँ लिख रहे देना क्योंकि इस पे एक प्रॉब्लम और कर रहा हूँ वो ऐसे पूछेगा बेटा देखो इधर मैं इधर देखो ए इक्वल टू ए वन वन ए वन टू सी वन ए वन टू वन ए टू इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू इंटू टू इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू इंटू टू देन फाइंड A12 C12 plus A21 C2 A12 C12 and A22 C22 given determinant A equal to minus 7 ऐसे पूछेगा बेटा हमें determinant A की value minus 7 given है तो हमें value निकालनी है A12 C12 plus A22 C22 की तो इसकी value क्या होगी अरे बेटा ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है टू इंटू टू का जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू माइनस सेवन है तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है ए वन टू को इसके है उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है प्लस इसके तो ये भी तो डिटरमिनेंट ही है प्रॉपर्टी से ये किसको डिनोट कर रहा है भाई डिटरमिनेंट ए वन टू सी वन टू प्लस ए टू टू सी टू टू किसको डिनोट कर रहा है अभी इस प्रॉपर्टी से क्या आ रहा है ये वन टू सी वन टू प्लस ए टू टू सी टू टू
डिटरमिनेंट आ रहा है तो इसका वैल्यू भी माइनस सेवन ही होगा, इसका वैल्यू भी माइनस सेवन ही होगा क्योंकि सेकंड रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा है, तो इसका वैल्यू भी किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। तो प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी रो के एलिमेंट या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, हमें उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। हाँ बेटा, ग्यारह हजार ऐसे ग्यारह हजार अरे ये तो मेरे, तो ये इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्लियर है? यस सर। अब देखो इसमें एक प्रॉपर्टी और है जो मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, फिर हम इस पे अब डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, सपोज मैं सेकंड रो के एलिमेंट ले रहा हूं भाई ए वन टू और थर्ड रो के कोफैक्टर ले रहा हूं, यदि मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो बेटा जीरो ही आएगा क्योंकि मैंने इसमें क्या करा, सेकंड रो के तो एलिमेंट लिए लेकिन थर्ड रो के मैंने कोफैक्टर लिए, सॉरी ये वन थ्री गलत लिख दिया, फर्स्ट रो सेकंड रो के तो एलिमेंट लिए और थर्ड रो के मैंने कोफैक्टर लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो जीरो आएगा 100%। निकाल के बता देता हूँ, ये लो एग्जांपल ले लो, देखो इधर ए वन टू कितना है बेटा फोर, सी थ्री वन कितना है माइनस सेवनटीन, ए टू टू कितना है फाइव, सी थ्री टू कितना है माइनस थर्टीन, ए टू थ्री कितना है सेवन, सी थ्री थ्री कितना है नाइनटीन, माइनस सिक्सटी एट माइनस सिक्सटी फाइव और वन थर्टी थ्री, बोलो जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो? यस सर आ रहा है। तो मैंने क्या लिया, सेकंड रो के तो एलिमेंट लिए और थर्ड रो के कोफैक्टर लिए, चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट रो के कोफैक्टर, फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर ले रहा हूं और इसके एलिमेंट ले रहा हूं, फर्स्ट वन थ्री सी वन वन, ए टू थ्री सी टू वन, ए थ्री थ्री सी थ्री वन, फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर लेकिन थर्ड कॉलम के एलिमेंट, इसका वैल्यू भी जीरो ही आएगा बेटा, ए वन थ्री टू सी वन वन माइनस ट्वेंटी नाइन, ए टू थ्री सेवन सी टू वन वन, ए थ्री थ्री माइनस थ्री सी थ्री वन माइनस सेवनटीन, देखते हैं बेटा माइनस फिफ्टी एट प्लस सेवन प्लस फिफ्टी वन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, जीरो। जीरो, तो प्रॉपर्टी समझ में आई? यस सर। प्रॉपर्टी क्या है, अब दोनों प्रॉपर्टी को मैं वापस से रिवाइज करवा रहा हूं, सुन लो और फिर हम डिटरमिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी रो के एलिमेंट या किसी भी कॉलम के एलिमेंट, पहले तो आपको ये चूज करना पड़ेगा कौन सी रो है या कौन सी कॉलम, कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। किसी भी रो के या कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलेगा, ये तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है। क्लियर? यस सर। यस। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी रो के एलिमेंट या कॉलम के एलिमेंट को, यदि रो ले रहा हूं तो किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से, उस वाली रो के नहीं, किसी और बाकी किसी भी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू जीरो आएगी। आया समझ? यस सर। यदि मैं सपोज फर्स्ट कॉलम ले रहा हूं और सेकंड कॉलम के कोफैक्टर ले रहा हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। क्लियर? यस सर। तो ये है बेटा इसका।
अब चलिए भाई, अब हमारा डिटरमिनेंट अब चालू हो रहा है, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन अब चालू हो गए। कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट की पहली प्रॉब्लम देखते हैं हम, को ध्यान से समझना क्योंकि मैं जो जो प्रॉब्लम करवाता जाऊंगा उसी टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाएगी। देखिए प्रूव by using properties of determinant prove that a plus b plus 2c, b plus c plus 2a, b, c, a, c plus a plus 2b. This is equal to twice a plus b plus c का whole cube. हमें properties of determinant से हमें ये value prove करनी है. This is equal to twice a plus b plus c का whole cube. Using properties of determinant हमें ये प्रूव करना, ध्यान से समझना बेटा कैसे कैसे करना। LHS a plus b plus 2c, सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम आ जाए बेटा या तो r1 plus r2 plus r3 तक करके देखो या c1 plus c2 plus c3 करके देखो। मैं देखो अभी बता रहा हूं, r1 प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इन तीनों को ऐड करके देखना कितना आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस फोर सी, इधर आ रहा है ए प्लस बी प्लस फोर ए, ये आ रहा है फोर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब दोनों सेम नहीं आ रहे, मतलब तीनों को करने पर, इन तीनों को ऐड करने पर, इन तीनों को ऐड करने पर, इन तीनों को ऐड करने पर सेम नहीं आ रहा, तो मैं आर वन में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री नहीं लगाऊंगा। अब बेटा कॉलम इन तीनों को ऐड करके देखना कितना रहा, इन तीनों को ऐड करो 2b plus 2c 2a plus 2b plus 2c, इसको भी ऐड करो 2b plus 2c plus 2a, मतलब वही आ रहा है, इन तीनों को भी ऐड करने पे वही आ रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा, देखो ये c1 है, ये c2 है, ये c3 है, तो मैं c1 में c1 plus c2 plus c3 लगाऊंगा, मैं C1 में C1 plus C2 plus C3 लूं, मैं तीनों को ऐड करके लिखूं, करो तीनों को ऐड करके लिखो भाई, तीनों को ऐड करके लिखो कितना आया, ट्वाइस ऑफ, बोलो आया कि नहीं आया, अरे इन तीनों को ऐड करके यहां लिख दिया मैंने, C1 में लिखना है इन तीनों को ऐड करके, यहां पर भी किया तो ये ही आया, यहां पर भी किया तो यही आया, बाकी एच इट इज। क्या ये पहली स्टेप समझ में आई क्या? यस सर। पहली स्टेप सबको क्लियर है? सी वन में सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, सी वन सी टू और सी थ्री को ऐड करके लिख दिया तो ये आ गया हमारा टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी, टू कॉमन आ गया तो अंदर बचा ए प्लस बी प्लस, तीनों में यही आ रहा है, फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, टू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये फर्स्ट कॉलम से ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, तो ये आ गया वन वन वन, ए बी प्लस सी प्लस टू है, ए बी बी सी प्लस ए टू, इस स्टेप तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नो सर। अब क्या होता है जनरली बेटा, इसके बाद क्या होता है ये समझो, हमने देखा ये वन 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 आ गया, तो अगली स्टेप में हमें वन जीरो जीरो बनाना होता है, यदि कभी वन 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 आ जाए, ये वन 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 आ गया तो इसको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाएंगे,
और इन दोनों को जीरो इसकी हेल्प से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये वन है तो मैं इसको ऐसा करूंगा भाई, आर टू में आर टू माइनस आर वन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा भाई? वन माइनस वन जीरो। इसी तरह आर थ्री में भी आर थ्री माइनस आर, आर थ्री में भी आर थ्री माइनस आर, आर टू में अप्लाई करूंगा आर टू माइनस आर वन, आर थ्री में अप्लाई करूंगा आर थ्री माइनस आर। तो ये आ गया आपका ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, वन ए बी, वन माइनस वन जीरो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो बी प्लस सी प्लस ए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो जीरो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो जीरो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो जीरो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो सी प्लस ए प्लस बी। कोई दिक्कत? नो सर। किसी को दिक्कत है बेटा? देव, आयुष, दिशा, वैदेही, रिंकल, भाई ये बिल्कुल फिक्स प्रोसीजर है जिसके तहत मैं इसको काम कर रहा हूं। सबसे पहले C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करूंगा, तीनों को ऐड करके लिख दूंगा, ऐड करके लिखने पर कॉमन ले लूंगा, ट्वाइस हो गए ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ आ गया हमारा वन वन वन, फिर मैं जैसे ही वन 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 आ जाएगा सी आर टू माइनस आर वन, आर थ्री माइनस आर वन कर दूंगा, ये बन जाएगा वन जीरो जीरो। बिल्कुल फिक्स प्रोसीजर, जैसे वन जीरो जीरो आ गया तो वन की रो और कॉलम हटा दूंगा, जैसे 100 आ जाएगा वन की रो और कॉलम हटा दूंगा, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं, यही आएगा जो लिखो। तो बचा बेटा ये, ये बचा, ये स्टेप क्लियर। 100 आ जाए कि फर्स्ट रो या थर्ड रो में तो वन की रो और कॉलम हटा देते हैं, तो बचा बी प्लस सी प्लस ए, जीरो जीरो सी प्लस ए प्लस बी। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको ओपन करो भाई, ओपन करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये जीरो हो गया। डिटरमिनेंट ओपन कर लो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया हमारा ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, और ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल, फाइनल आंसर हमारा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ गया, और यही हमें प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना था, और ये बिल्कुल फिक्स प्रोसीजर है जिससे मैंने किया है। हर एक प्रॉब्लम में हमें यही काम करना है, पहले यही देखना है, ये नहीं होगा तो कुछ और करेंगे, पहले हमें हर एक प्रॉब्लम में यही काम करना है। क्लियर है सर? सेकंड लास्ट स्टेप से वापस बता दो। बिल्कुल बता देते हैं बेटा, ये लो यहां तक हटा दिया ये मैं कॉमन ले लिया, जैसे कॉमन ले लिया तो अगला स्टेप हमको दिख गया वन 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 आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको जीरो बनाऊंगा और इसको जीरो बनाऊंगा। तो ये क्या है, कौन सी रो है ये कौन सी रो है बेटा? सेकंड रो। इस रो को जीरो बनाना है फर्स्ट रो के साथ, आर टू माइनस आर वन, फिर इसको जीरो बनाऊंगा, कौन सी रो है ये? थर्ड रो को जीरो बनाऊंगा फर्स्ट रो के रेस्ट। कोई दिक्कत? नो सर। अब मेरा ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट रो एज इट इज, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो जीरो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो बी प्लस सी प्लस ए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो जीरो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो जीरो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो जीरो, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो सी प्लस ए प्लस बी। कोई दिक्कत? अब देखो वन जीरो जीरो आ गया तो वन की रो और कॉलम हटा देते। अब ये टू इंटू टू का डिटरमिनेंट बन गया भाई, इसको ओपन कर लो डायरेक्ट, तो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो यहां पर भी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस जीरो। तो क्या आ गया हमारा, यही तो प्रूफ करना था। क्लियर है? क्लियर है सर? इस तरह से बेटा ये प्रूफ। चलिए और देखते हैं,
इसी टाइप की एक और प्रॉब्लम देखते हैं। By using properties of determinant, prove a cube, b cube, c cube, 2, 2, 2, a, b, c. Now this is equal to 2 a minus b, b minus c, c minus a. और ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें प्रूव करना है। दिस वी हैव टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, टू टू टू, ए बी सी, ये हमें प्रूव करना है कि ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। अब मैंने एलएचएस ले लिया, a cube, b cube, c cube, कहीं से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कहीं से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? टू कॉमन आ रहा है सेकेंड कॉलम से, ये मैंने टू कॉमन ली। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, एक प्रोसीजर और है, कभी भी 111 सेकंड रो या सेकंड कॉलम में नहीं आना चाहिए। कभी भी 111 सेकंड रो या सेकंड कॉलम में नहीं आना चाहिए। यदि आ गया तो आपको उसको कन्वर्ट करके पहले फर्स्ट रो या थर्ड रो में लेके जाऊंगा, या फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम में लेके जाऊंगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा उसको ओपन करोगे ना तो फिर माइनस आएगा बीच वाले से, इसलिए हम इसको आपको बस इतना याद रखना है कि सेकंड रो में नहीं आए। तो मैं क्या करूंगा, ये आपका C1 है और ये C2 है, तो बेटा मैं C1 और C2 को इंटरचेंज कर देता हूं। तो मैंने प्रॉपर्टी में क्या बताया था, यदि कोई भी दो कॉलम इंटरचेंज होगी तो क्या आएगा बाहर? माइनस, माइनस साइन बाहर आ गया, ये माइनस साइन बाहर आ गया। तो यहाँ 111 आ गया, यहाँ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ गया और यहाँ ए बी सी आ गया। ये स्टेप क्लियर है क्या? ये स्टेप क्लियर है? यस सर। अब देखो पिछले वाला ही आ गया, ये आर टू है, ये आर थ्री है, फिर आर टू को 10 बनाना है, तो आर टू माइनस आर वन और आर थ्री को 0 बनाना है, आर थ्री माइनस आर। क्या ये स्टेप समझना है? इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, किसकी हेल्प से? R1 की हेल्प से। तो बनाओ भाई, माइनस तो जो पिछली बार किया था वही कर रहा हूँ, 1 a क्यूब, a 1 माइनस 1 0, b क्यूब माइनस a क्यूब, b क्यूब माइनस a क्यूब, b माइनस 0, c क्यूब माइनस a क्यूब, c माइनस a। क्या ये स्टेप क्लियर है? यस। बेटा यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? No, अब 100 की, ये 100 आ गया, तो मैंने क्या बोला था, 1 की रो और कॉलम हटा दोगे, तो जैसे हटाओगे ये 1 की रो और कॉलम 2 into 2 में कन्वर्ट हो गया भाई, b cube minus a cube, b minus a, c cube minus a cube, c minus a। कोई दिक्कत? No, sir। अब हमारा फॉर्मूला आ गया भाई, x cube minus y cube, ये फॉर्मूला लगेगा, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हमारा x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। सर कॉमन भी ले सकते हैं ना? कॉमन कहाँ से आ रहा है तेरे को? कहाँ से दिख रहा है कॉमन? कैसे कॉमन ले? b माइनस a और c माइनस a कॉमन ले सकते हैं। फिर इधर क्या बचेगा b क्यूब माइनस a क्यूब की जगह?
अरे मैं खुमन तो आ गया लेकिन मैं समझ गई, मैंने कुछ कर रहा सोचा आ गया। माइनस टू बी माइनस ए, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए। तुम्हारी चार बजे वाली क्लास नहीं लग रही क्या? सर नेक्स्ट वीक से लगेगी बोल रहे हैं सर, बिजी हैं। तो अभी तक एक भी क्लास नहीं लगी? नहीं सर। सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी और सी माइनस ए, ये आया समझ में? यस सर। अब कॉमन आ रहा है, अब क्या कॉमन आ रहा है? बी माइनस ए भी कॉमन आ रहा है और सी माइनस ए भी कॉमन। यहाँ तक बेटा किसी को डाउट? तो फिर ये तुम्हारी क्लास नहीं लगती है तो फिर इस टाइम पे फ्री रहते हो ना तुम? यस सर। तो फिर ये खुशी आ गई नहीं रही इस क्लास में? बात करनी पड़ेगी उससे, क्योंकि अभी तक तो एक भी क्लास नहीं लगी ना तुम्हारी। नो सर। हरी सर की एक भी क्लास नहीं लगी ना अभी तक? नहीं लगी। माइनस टू बी माइनस ए सी माइनस ए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए वन, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए वन, ये बची है भाई। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये माइनस को एक काम करो, इस माइनस को बेटा इससे मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये माइनस का काम हट गया। ए माइनस बी सी माइनस ए बी स्क्वायर, बेटा अभी भी ओपन मत करना। कितने फैक्टर चाहिए आपको टोटल जो प्रूव करना उसमें? चार। अभी तक कितने फैक्टर आए हैं आपके? दो ही हैं। तो अभी तक ओपन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अभी भी मत करना बेटा। और यदि करो, क्योंकि यहाँ वन 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 यहाँ वन वन है तो करो, तो इनके फैक्टर करने पड़ेंगे आपको बाद में। जैसे मैं सपोज यहाँ वन वन है, आपको लगता है कि सर वन वन ही तो है, मैं ज्यादा क्या कर सकता हूँ, तो मैं ओपन भी कर दूं, तो ओपन करोगे तो अभी देखो फैक्टर लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेंगे? देखो सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये आ गया ट्वाइस ए माइनस बी सी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गई। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक साथ लिखूंगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ए बी माइनस सी। यहां से बी माइनस सी कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? बी प्लस सी बचेगा बेटा। तो b माइनस सी कॉमन आ गया तो यहाँ बचा b प्लस सी और यहाँ बचा ये, ये लो ये प्रूव हो गया हमारा। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। ट्वाइस ऑफ a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए और मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी प्लस सी, यही हमें प्रूव करना था। आया समझ में? Yes, ये इसका प्रूफ हुआ। एक और करते हैं इसी टाइप का, एक और करते हैं बेटा। कहां से दोबारा समझाऊं? दिशा, रिंकल, वेदेही, चिन्मय, राहुल, देव, आयुष, स्वस्ति, बताओ बेटा कहां से दोबारा समझाऊं? जहां से आप बोलोगे मैं दोबारा समझा दूंगा, और पूरा बोलोगे तो पूरा समझा देता हूँ। एक बार पूरा रिवाइज करवा दूं क्या? हाँ यस सर। चलो एक बार दोबारा रिवाइज कर लो पूरा जल्दबाजी में, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में पूरा रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। वो तो शुरू के तीन चार क्वेश्चन समझ में आ गए तो बेटा बाकी के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। शुरू के तीन चार क्वेश्चन में आपको देखना, देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए बी सी सॉरी टू 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 ए बी सी, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? टू बोलते चलो। क्या ये स्टेप क्लियर है? यस सर।
इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, R1 और C1 और C2, ये C1 है ये C2, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। क्या ये स्क्रीन ब्लर हो रही है, दिख नहीं रहा? ब्लर हो रही है, एक मिनट लेट में देखता हूँ। हाँ बेटा ब्लर हो रही है, कर रहा हूँ सर। ठीक है, ये वाली स्टेप क्लियर है बेटा देव? यस सर। अब मैंने बोला वन 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 आ गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आर टू में आर टू माइनस आर वन और आर थ्री में आर थ्री माइनस आर वन, तो ये आ गया माइनस टू वन आर वन एज इट इज जीरो, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, बी माइनस ए जीरो, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सी माइनस ए वन जीरो जीरो की रो और कॉलम हट गई। यहां तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड। माइनस टू बी क्यूब माइनस ए क्यूब, इसके फैक्टर मैं यही कर रहा हूँ, बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, बी माइनस ए सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, सी माइनस ए, ये फैक्टर कर दिए बेटा मैंने बी क्यूब माइनस ए क्यूब पे, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। फर्स्ट रो में से बी माइनस ए कॉमन आ गया, सेकेंड रो में से सी माइनस ए कॉमन आ गया, यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए वन वन, कोई दिक्कत? नो सर। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया ट्वाइस ए माइनस बी सी माइनस ए, और इसको ओपन कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी ए, स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसमें कोई डाउट? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो गया इन दोनों को, बी प्लस सी बी माइनस सी, और इन दोनों में से ए कॉमन आया तो बी माइनस सी, कोई दिक्कत? नो सर। और पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है इसमें अंदर से? बी माइनस सी। हो गया प्रूव, ये प्रूव करना था। आया बेटा? yes. चलिए एक और करते हैं। प्रूव वन 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 अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा अल्फा गामा अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, ये हमें प्रूव करना है। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, this we have to prove। अब देखो इसको, बेटा क्या होता है, मैं तुम्हें और एक को ट्रिक बता रहा हूं समझना। आप चाहो तो वन 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 को जीरो बना सकते हो, ये वन 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 है तो इसको जीरो बना सकते हो, तो एक काम करो जब वन 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 आ रहा है तो जीरो ही बनाओ, फिर वो दूसरा कंसेप्ट तो मैं बाद में बताऊंगा। सी क्या है? क्या बेटा? ये इधर सी क्या लिखा है? सी नहीं है यार, वो मैं गलती से जल्दबाजी में गामा माइनस अल्फा है यार। ठीक है, तो वो मैंने गलत लिख दिया जल्दबाजी। देखना बेटा, ये कौन सी रो है कि कॉलम है? ये क्या? कॉलम। तो कॉलम टू माइनस कॉलम वन और कॉलम थ्री में कॉलम थ्री माइनस कॉलम, कोई दिक्कत? नो सर। तो ये आ गया आपका वन अल्फा बीटा गामा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ बीटा माइनस अल्फा हो गया, यहाँ गामा माइनस अल्फा हो गया,
बेटा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन आ गया गामा, बचा अल्फा माइनस बीटा, कोई दिक्कत है? देखो दोबारा बता रहा हूँ, 1 माइनस 1 जीरो, बीटा माइनस अल्फा, इन दोनों में से कॉमन आया गामा तो अल्फा माइनस बीटा, 1 माइनस 1 जीरो, गामा माइनस अल्फा, इन दोनों में से बीटा कॉमन आया तो आ गया अल्फा माइनस गामा, कोई दिक्कत? नो सर. क्या कॉमन लेना है? क्या कॉमन लेना है? अल्फा माइनस बीटा. और एक क्या कॉमन आ रहा है? हाँ तो जो कॉमन लेना है वही लो, अल्फा माइनस बीटा कॉमन लो एक तो सेकंड कॉलम से, और एक गामा माइनस अल्फा कॉमन लो थर्ड कॉलम से. फर्स्ट कॉलम एज इट इज, यहां से अल्फा माइनस बीटा जीरो, यहां से अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया तो माइनस वन, यहां से अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया तो गामा, यहां से जीरो, गामा माइनस अल्फा कॉमन लिया तो वन माइनस बीटा, कोई दिक्कत? नो सर. वन जीरो जीरो आ रहा है बेटा, रो और कॉलम हटा दो, ओपन कर लो बस, यही आंसर. इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बीटा माइनस गामा, यही तो प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था. आया क्या? यस सर. और x, y, z, x square, y square, z square, y, z, z, x, x, y. Prove करना है हमें x minus y, y minus z, z minus x, x, y plus y, z plus z, x. ये हमें prove करना है. XY minus YZ, XY plus YZ plus ZX. Current start? Yes, sir. अब देखो क्या है इसमें, इस वाली प्रॉब्लम में मैं एक नया ट्रिक बता रहा हूं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, और वो आपको कभी भी आएगा तो आपको उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. यहां देखो ये x आ रहा है, ये x स्क्वायर आ रहा है, लेकिन ये YZ आ रहा है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे XYZ बन जाए? X. इसको y, और इसको z. तो r1 में मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, r2 को y से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और r3 को z से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. अब बेटा यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सुनो, पहले मेरे मेरी बात सुनो. आपने किसमें मल्टीप्लाई किया? r1 को किससे मल्टीप्लाई किया? अरे r1 R1 में किससे मल्टीप्लाई किया? X को. तो बेटा यदि किसी ओरिजिनल रो और कॉलम में, जैसे मैं R1 में अप्लाई कर रहा हूं और R1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बेटा ऐसा काम आप नहीं कर सकते. यदि करना है तो उसका उल्टा भार करना पड़ेगा. मैंने R1 को X से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, भार मुझे X से डिवाइड करना भी पड़ेगा. आप ये कर सकते हो, जैसे R1 में R1 plus XY R2, ये काम कर सकते हो, क्योंकि R1 में चेंज कर रहा हूं लेकिन मैं R1 में कुछ नहीं कर रहा, R2 और R3 में कुछ भी करते रहो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं. लेकिन यदि आपने इसको मल्टीप्लाई किया किसी से तो बेटा उसका उल्टा भार करना पड़ेगा. मेरी बात समझ में आई? यस सर. मैंने R1 में चेंज किया और R1 को X से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भार X से डिवाइड करना पड़ेगा, इसी तरह y से डिवाइड करना पड़ेगा, z से डिवाइड करना पड़ेगा. अब देखो x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर, x क्यूब, एक्स वाई जेड, y स्क्वायर, y क्यूब, एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, एक्स वाई जेड. क्लियर? थर्ड कॉलम से क्या, थर्ड कॉलम से क्या कॉमन आ गया? एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड को मना गया, मजा आ गया बेटा, वन 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 आ गया जो जिसकी जरूरत थी मुझे, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब. इसके बाद तो फिक्स पैटर्न चलता है, जीरो 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 बनाएंगे बस.
जीरो जीरो बनाएंगे। कैसे जीरो बनाएंगे? इसको जीरो बनाएंगे। तो ये क्या है, क्या ये कौन सी रो कौन सी कॉलम है, कौन सी है? थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम कहाँ से दिख गई तेरे को? एक सेकंड। हाँ सर। आर टू में आर टू माइनस आर वन और आर थ्री में आर थ्री माइनस आर। बेटा ऐसे थोड़ी देखते हैं कि ये कॉलम है, मैं यूं बोल रहा हूँ। आर टू में आर टू माइनस आर वन और आर थ्री में आर थ्री माइनस आर वन। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वन, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वन। तो टाइम है, एक मिनट लीजिए, जल्दी बताता हूँ, अगली क्लास वाले आ रहा है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब जीरो, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब जीरो। ये वाली स्टेप क्लियर है? यस सर। बेटा वन जीरो जीरो आ गया। अरे वन जीरो जीरो आ गया कि नहीं आ गया? तो इसकी रो और कॉलम हटा सकते हैं हम। तो ये देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर, इसके फैक्टर y माइनस एक्स, अभी बताया था वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, इसके फैक्टर z माइनस एक्स, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई। फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है? y माइनस एक्स। सेकेंड रो से क्या कॉमन आ रहा है? z माइनस एक्स। तो बचा y प्लस एक्स, यहाँ बचा z प्लस एक्स, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई, जेड एक्स सॉरी जेड एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। कितने फैक्टर चाहिए थे? चार। बेटा अब तो अब ओपन मत कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सर। सर अभी वो करेंगे ना, इसमें स्क्वायर y प्लस एक्स स्क्वायर, r1 में r1 माइनस r2 करेंगे, इसमें करेंगे r1 में r1 माइनस r2। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक और फैक्टर आएगा आपका, ये फिक्स है। अब देखो r1 में r1 माइनस r2, तो समझो देखो y माइनस x, z माइनस x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया y माइनस z, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस x y माइनस z, जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। ये मैंने किया है वाई वन आर वन में आर वन माइनस आर टू, देखो आर वन में आर वन माइनस आर टू, ये कैंसिल हो गया वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, इसमें से एक्स कॉमन आ गया। बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? वाई माइनस जेड। देखो यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, तो वाई माइनस जेड कॉमन आ गया।